जेके एस बी ने यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दी है जो यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो फॉर्म निकले थे उनके लिए लिंक एक्टिवेट हो चुकी है कैसे आपको फॉर्म भरना है फोन से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको किस तरह से फॉर्म भरना है वो भी आपको मैं बताऊंगा तो वीडियो को लाइक कर देना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाउ टू फिल यहां पर जेके एस बी सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर फॉर्म अगर आपको हमारे थ्रू फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर मैंशन होगा ये यहाँ पर जो है इस पर आपको जो है यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना है हम आपका फॉर्म भर देंगे सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है उसके बाद आपको नाम लिखना है जो कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर है टेंथ क्लास के मार्क्स कार्ड को देख लेना जो वहाँ पर लिखा है वैसे ही लिखना उसके बाद फादर नेम वो भी टेंथ क्लास के मार्क्स कार्ड को देख के लिखना उसके बाद ईमेल जो आपकी एक्टिव हो क्योंकि उस पर ओ आएगा कन्फर्म ईमेल सेम लिखनी है जो पहले लिखोगे उसके बाद मोबाइल नंबर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ आपकी फिर कैटेगरी जो आपके पास है यहाँ पर कैटेगरीज ऑप्शन है ओपन वर्ड एस सी एस टी आर बी एल सी आर आई बी डब्ल्यू एस पी एस पी अदर सोशल कास्ट अगर जो भी आपके पास है वो यहाँ पर इसमें मतलब ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है उसके बाद जेंडर आपका जो है फ़ीमेल यहाँ पर रखना है क्योंकि ये फॉर्म फीमेल्स के लिए है उसके बाद स्टेटस आपको जो है अनमेरिड मेरिड वो आपको रखना है उसके बाद वेर, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन कोड आपको लिखना है मतलब वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पर मेंशन होगा वो आपको लिखना है उसके बाद सबमिट करना है फिर आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा यू आर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर नॉन एडिटेबल वंस सबमिटेड प्लीज वेरीफाई द वेरीफाइड डिटेल्स आर क्रेक्ट पहले आपको अच्छे से देखना है जो एबो डिटेल है वो ठीक है उसके बाद आपको जो है क्लिकर टू एडिट यूर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अगर आपको एडिट करनी है आप यहाँ पर रेड क्लिक पे क्लिक कर देना उसके बाद अगर आपको ठीक है फॉर्म तो आप क्लिक हीयर जो है ग्रीन में उस पर क्लिक करना उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आएगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यूजर नेम आपका आएगा ये आपको सेव रखना है उसके बाद आपको जो है ईमेल आएगा जो आपने पहले दिया था उस पर ओ जो आएगा वो कॉपी करके यहाँ पर लिखना है उसके बाद न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आपको पासवर्ड आपको सेम रखने हैं जो आप न्यू पासवर्ड में रखोगे वही कन्फर्म न्यू पासवर्ड में भी रखना है उसके बाद आपको जो है सेव सबमिट करना है और मतलब आपको पासवर्ड इसी हिसाब से रखना है मतलब वन समॉल लेटर वन कैपिटल लेटर वन स्पेशल करेक्टर एग्जांपल दी गई है इस तरह से रखना उसके बाद आपको सबमिट करना है फिर आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपको फिर लॉगिन करना है उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुँचोगे यहाँ पर लॉग इन आपको यूज़र नेम जो आपको वहाँ पर नंबर आया था वो यहाँ पर लिखना है उसके बाद पासवर्ड आपको जो आपने वहाँ पर रखा था उसके बाद आपको यही वेरिफिकेशन कोड लिखना है लॉग इन करना है लॉगिन करने के बाद आपको डिटेल्स शो हो जाएंगी और आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा सबमिटेड नो डाटा फोन क्योंकि अभी आपने सबमिट नहीं किया है फिर आपको पर्सनल प्रोफाइल में आपको जाना है उसके बाद आपको पर्सनल प्रोफाइल में आपको डिटेल्स वहां पर जो मेंशन होंगी ब्लैक लिस्ट में ये भी अच्छे से देख लेने हैं उसके बाद यहां पर आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं यहां पर ट्वेंटी के बी से फिफ्टी के बी भी के बीच में आपको फोटो और टेन से ट्वेंटी के बी भी के बीच में आपको सिग्नेचर जो है यहाँ पर अपलोड करने हैं फिर सबमिट कर देना है कॉन्टेक्ट डिटेल में हाउस नंबर आपको जो है ये डिटेल्स लिखनी है उसके बाद आपको सेम एज परमानेंट अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो फिर सबमिट करना है उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स लिखनी है मिडिल पास आपको लिखना है मैट्रिक इंटरमीडिएट उसके बाद आई टी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है इनमें से कोई पी डिप्लोमा डिप्लोमा उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री अदर डिप्लोमा अगर आपके पास है उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आपकी अकेडमिक में है तो वो लिख देना उसके बाद अगर आपको ग्रेजुएशन टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स में है आप टेक्निकल में कौन कौन से कोर्स आते हैं एक तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन अगर है तो फिर आप अकेडमिक में लिख देना उसके बाद बी एड यहाँ पर बी फार्मेसी सी बी एस नर्सिंग भी इसमें है अगर आपने उनमें से किया है तो आप भी एलिजिबल हो वो आप लिख देना जो आपने किया होगा टेक्निकल कोर्स में प्रोफेशनल कोर्स में उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपका है वो भी यहाँ पर मैंशन कर देना पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल प्रोफेशनल अगर आपका है अदर अगर आपका कोई है वो भी मैंशन कर देना एम फिल आर पी अगर है तो या सर नो कर देना उसके बाद सबमिट उसके बाद फीस पेमेंट जो कि 500 जो है और 400 हंड्रेड यहाँ पर ए डब्ल्यू एस एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए है और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा